Please subscribe Travel Times by clicking the subscribe icon and press the bell icon to receive future notifications. समझाई थी। अब आप पूछ रही थी ऋषि कश्यप के बारे में कि भाई ऋषि कश्यप कौन है, कोई खेलने दो बच्ची, कोई दिक्कत कि ऋषि कश्यप कौन है। जब इस ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई उससे पहले केवल ये तीन शक्तियां प्रकट हुई, सबसे पहले भगवान विष्णु, उसके बाद ब्रह्मा जी। इन दोनों में झगड़ा हो गया कि मैं बड़ा था, मैं बड़ा, तो महादेव प्रकट हो गए कि मैं सबसे बड़ा नहीं, शिवलिंग भी प्रकट हो गए। अब इन्हें देखा कि ये क्या चीज है, तो उनने कहा, बोले भाई तुम भी बड़े, तुम भी बड़े, एक ऊपर जाओ एक नीचे जाओ, जो इसका अंत पता करके आ जाएगा पहले उसी की पूजा होगी संसार में, वही बड़ा माना जाएगा। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी आप बताओ नीचे जाओगे कि ऊपर, बोले मैं तो ऊपर जाऊंगा। उन्होंने सोचा तो ऊपर जल्दी पहुंच जाऊंगा, जमीन में कहाँ घुसूंगा मैं। विष्णु जी नीचे चले गए, वो नीचे चले गए शिवलिंग जी का अंत पता करने के लिए। अब वो चलते चले गए, वर्षों गुजर गए, ब्रह्मा जी को कहीं अंत हो तो मिले, वो तो अनंत है। अब वहां से ऊपर से एक फूल लुढ़कता हुआ आ रहा था केतकी का, केतकी जिसमें कांटे वाली जो केतकी होती है, तो ब्रह्मा जी ने उसे पकड़ लिया। बोले यार केतकी तुम कहाँ से आ रही हो। बोले साहब प्रभु के ऊपर मुझे चढ़ाया गया था। तो बोले कितनी दूर और है ये प्रभु का फूल जहाँ चढ़ाया गया। बोले साहब न जाने कितने कल्पों से मैं लुढ़कती चली आ रही हूँ, मुझे तो समय का ही ज्ञान नहीं रहा कि मैं कब से लुढ़क रही हूँ ऊपर से, आपने मुझे रास्ते में पकड़ लिया। अब उनने कहा कि जी कई कल्पों से लुढ़कती आ रही है तो मेरे को कितने कल्प लगेंगे ऊपर पता करने में, यहीं से लौट जाओ, सबूत मिल गया, लौट जाए। महादेव के सामने आ गए, बोले प्रभु मैं पता करके आए। बोले क्या पता करके आए। बोले ये सबूत है साहब, जे आपकी शिवलिंग जी के ऊपर चढ़ा हुआ था फूल, मैं उसे लेके आया हूँ, मुझे सबूत है। बोला बात तो सही है, मेरी शिवलिंग जी पर चढ़ा था ये फूल। थोड़ी देर बाद विष्णु जी आए, बोले भाई विष्णु तुम क्या पता करके आए, मेरा अंत मिला। बोले प्रभु मैंने बहुत कोशिश की, पूरी क्षमता मैंने लगा दी, लेकिन मुझे आपका अंत नहीं पता लगा, ये सत्य है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरी पूजा नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा जी की होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ऊपरी सिरा ढूंढा है, मैंने ढूंढा है। तो उन्होंने सत्य बोला, इन्हें असत्य बोला। तो महादेव ने बोल दिया कि पूजा विष्णु की होगी, यही जगत का संचालक होगा। अब ब्रह्मा जी के, अरे बोले साहब मैं सबूत लेके आया हूँ। बोले तुमने असत्य बोला है, झूठ बोला है। बोले तुम्हारी 100 वर्ष की आयु मैंने प्रदान की है, विष्णु की 200 वर्ष की है, तुम पूरी 100 साल की उम्र तक, अगर मैं तुम्हें 1000 वर्ष की भी उम्र दे दूँ तो तुम कभी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए संसार में पूजा इनकी तुम्हारी की। लेकिन मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण मतलब जो है कार्य देता हूं, आप ब्रह्मांड की रचना कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु कैसे करूं। बोले जी ब्रह्मांड की रचना का फार्मूला। अब वो रचना करने लगे तो सबसे पहले उन्हें मानसिक पुत्र पैदा किए, छोटे छोटे सन्यासी, वो पैदा होते जाए कमंडल उठा के चलते जाए। उन्होंने कहा यार मैंने 1000 इंच पैदा कर दिए, ये सारा कोई रुक ही नहीं रहा जी, कैसे होगी सृष्टि रचना। वो विष्णु जी के पास के बोले यार विष्णु जी कोई रुक ही नहीं रहा, मैं कल्पना से पैदा कर रहा हूँ, वो भाग खड़े हो रहे हैं सबके साथ, कोई कहीं तपस्या में लीन है, कोई कहीं तपस्या में लीन है। उन्होंने कहा साहब मैं क्या बता सकता। महादेव के पास पहुँचे, बोले प्रभु जी तो रचना ही नहीं हो पा रही। बोले ब्रह्मा जी मैंने फार्मूला बताया था आपको लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, ज्ञान नहीं है आपको,
मैंने कहा था कि यदि इन सन्यासियों को रोकना है तो पहले स्त्री प्रकट कीजिए, पहले स्त्री प्रकट कीजिए, इन्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पूछे। तब उन्होंने स्त्री प्रकट की तो वो सन्यासी भाग के जो गए थे ना वो भी सब लौट आए, पहले मेरे को चाहिए जी, मेरे को चाहिए जी, मेरे को चाहिए, सब लौट आए। उन्होंने कहा यार ये क्या साला, तो भगवान विष्णु ने कहा बोले प्रभु कोई ऐसा सरल तरीका बता दो जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना में दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा ठीक है स्त्री प्रकट कर दी आपने, अब आप एक अपना पुत्र प्रकट कीजिए, प्रथम पुत्र। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो अपने कल्पना से मन से जो कल्पना की तो जो प्रथम पुत्र उनके प्रकट हुए वो हैं ऋषि कश्यप, वो हैं ऋषि कश्यप ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उनके लिए दो स्त्रियां उन्होंने दी, महादेव ने आदेश दिया कि उनके लिए दो स्त्रियां दीजिए, दो स्त्रियां प्रकट कर दी, एक का नाम दीति एक का आदिति, दो स्त्रियों के नामकरण हो गए कि ये दीति है या अदिति है। अदिति स्त्री जो प्रकट हुई देवी भगवती की कृपा से वो धार्मिक अच्छे विचारों वाली और अच्छी सभ्य थी, उसके विचार अच्छे थे, प्रभु के प्रति झुकाव था। और जो दूसरी थी दीति वो चांडाल टाइप की। तो ऋषि कश्यप को आदेश हो गया कि ये दो आपकी पत्नियां हैं, जाइए सृष्टि उत्पन्न कीजिए, विधाता के कसा दीजिए। अब अदिति से जितने बच्चे पैदा हुए वो सब देवता कहलाए क्योंकि अच्छी स्त्री थी। सूरज चांद सितारे इंद्र विंद्र ये जितने भी देवता हैं सब अदिति से प्रकट हुए। सबसे जैसे पहले सूर्य प्रकट हो गए, सूर्य को स्थापित कर दिया ब्रह्मांड में, तो महादेव ने कहा बोले विष्णु तुम स्थापित करो, ये ब्रह्मांड का केंद्र होगा ये पुत्र कश्यप का। तो सब देवता प्रकट होने लगे और द्वितीय से जो पैदा हुए वो बड़े बड़े